शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को बड़वानी जिले के पानसेमल बस स्टैंड चौराहे पर चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी श्याम बर्डे के पक्ष में आम सभा की। पानसेमल सभा में सीएम शिवराज ने लाडली बहनों का स्वागत भी किया। कहा कि कांग्रेस में चक्की के दो पार्ट हो गए हैं, झूठी राष्ट्रवादी कांग्रेस कभी चुनाव नहीं जीत पाएगी। शिवराज ने कहा, मेरी बहने, मैं तुम्हें देवी का स्वरूप मानता हूं। कमलनाथ डबरा में मेरे एक बहन को आइटम बोलकर संबोधित करते हैं। अब 21 साल की बेटी जिसकी शादी हुई हो या ना हुई हो, मामा उसे पैसा देंगे। अभी पैसे की जुगाड़ में लगा हूं, मेरी बहन बहुत है, मेरे जैसे भाग्यशाली भाई दुनिया में कोई नहीं होगा। शिवराज ने कहा कि मैं सरकार नहीं चलाता हूँ, मैं परिवार चलाता हूँ। कई भाई बहन ऐसे हैं जिनके मकान अभी कच्चे हैं। इधर उधर की सारी सब्सिडी बंद कर सीधे किसानों के खाते में पैसे जाएं, ऐसी व्यवस्था की है। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस झूठी पार्टी है, दोनों भाई बहन रोज झूठी बोलते हैं। कहा कि सामूहिक बहनों से वादा है, हर बहन को लखपति बनाना है, 10 सीएम राज स्कूल बनाने का टारगेट है। उन्होंने लोगों को कांग्रेस से सावधान किया है। कहा कि ये बेईमान भ्रम फैलाने आएंगे, ये आपस में लड़वा कर पैसे छीनने वाली कांग्रेस है। श्याम ने एक बात मुझे आज कही है कि मामा एक काम और कर देना कि नर्मदा मैया का पानी लेके आना। किसान भाइयों, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और आज मैं आपको वचन दे रहा हूं कि किसान के खेतों में नर्मदा मैया का पानी तो लेके आऊंगा। पानी कांग्रेस ने नहीं दिया, कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो किसानों को पानी कहां से देगी। बिना पानी की हो गई है कांग्रेस। उनके नेता खड़गे जी आए कल, कह रहे थे भाजपा के 5 पांडव हमसे लड़ रहे हैं। मतलब तुमने मान लिया कि तुम कौरव हो। पांडव लड़ते हैं न्याय की लड़ाई, अधर्म के खिलाफ लड़ते हैं, और कौरव लड़ रहे थे स्वार्थ की लड़ाई। ये स्वार्थ, धर्म अधर्म, न्याय और अन्याय की लड़ाई में बताओ पांडव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी जीतेंगी। अच्छा, कांग्रेस में तो एक धृतराष्ट्र थे जो अपने बेटे को राज दिलाने के लिए लड़ रहे थे। कांग्रेस में दो धृतराष्ट्र है, मध्य प्रदेश में धृतराष्ट्र दो, एक कमलनाथ जी है और एक दिग्विजय सिंह जी है।